हेलो स्पीडबॉट यूजर्स, वेलकम है आपका इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप अपने एक एग्जिस्टिंग बॉट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी जो आपने क्रिएट की है हमारे इक्विटी और ऑप्शन बिल्डर में, उस सेम लॉजिक के एंट्री एग्जिट कंडीशंस को कम्प्लीटली आप एक और बॉट के तौर पर डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो हमारे स्पीडबॉट यूजर्स से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो कई बार उनके साइड से क्वेरीज थी कि आप ऐसा एक फीचर डेवलप कीजिए जिसमें आप एक डुप्लीकेट बटन डाल सकें और हमारे लिए काफ़ी ऐसे इजी रहेगा मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए क्रिएट करने के। तो सबसे पहले मैं अपने स्पीड बॉट के एप्लीकेशन में लॉग इन हूँ। यहाँ पे मैं बॉट सेक्शन पे गया। बॉट सेक्शन पे जाते ही मैंने माई बॉट्स फिल्टर लगा लिया। यहाँ पे देख सकते हैं एक स्क्वायर ऑफ ऑल्ट रीडिंग, स्क्वायर ऑफ ऑल लेग्स करके है मेरा बॉट। यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट बॉट किया, बॉट का मैंने नाम दे दिया स्क्वायर ऑफ ऑल लेग्स डुप्लीकेट एंड इसको डुप्लीकेट कर दिया मैंने। यहाँ पे देख लीजिए बता रहा है कि बॉट डुप्लीकेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मैं माय बॉट्स में गया, अभी सर्च करूँगा स्क्वायर ऑफ डुप्लीकेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। ये स्ट्रैटेजी को मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड पे एडिट सिंबल पे क्लिक किया और इस हिसाब से मेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी वो रेप्लीकेट हो गई। तो इस स्ट्रैटेजी का आप जो भी ट्वीक्स करना चाहते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे, जैसे कि इसका जो पार्ट वन था लेग का स्ट्रैटेजी का, वैसे आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और छोटे छोटे फीचर्स हम ले आ रहे हैं स्पीड बॉट पे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग फीचर्स।